छन पकैया, खबरें लेकर आ गए आपका खबरें भैया। आज की पहली खबर, गरीबों वाले बाबा यानी कि बॉबी देओल एक बार फिर से आ रहे हैं अपने भक्तों के दिल की बात सुनने के लिए। जी हाँ, अपनी वेब सीरीज आश्रम के पहले सीजन और दूसरे सीजन की कामयाबी के बाद बॉबी देओल अब आश्रम का तीसरा सीजन लेकर आ रहे हैं और एक बार फिर से आपको देखेंगे काशीपुर वाले बाबा अपने भक्तों को चमत्कारी प्रसाद देते हुए। और इस वेब सीरीज के मेकर्स ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं और एक बार फिर से आपको भक्तों का वो नारा सुनने को मिलेगा जिसमें सभी भक्त हाथ उठाकर कहते हैं जपनाम जपनाम जपनाम। बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम रिलीज हो चुकी है और लोगों का इस फिल्म को लेकर मिला जुला रिस्पॉन्स आ रहा है। तो दूसरी तरफ अक्षय कुमार के लिए एक बुरी खबर आई है क्योंकि इस फिल्म को 3 देशों ने बैन कर दिया है और ये देश हैं सऊदी अरब, कुवैत और कतर। इन देशों का कहना है कि इस फिल्म में जो तथ्य दिखाए गए हैं वो गलत है। इस फिल्म में इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई है और इन्हीं कारणों को मद्देनजर रखते हुए इन देशों ने इस फिल्म को बैन किया है। सलमान खान और कटरीना कैफ एक बार फिर से साथ नजर आएंगे टाइगर 3 में। इन दिनों इस फिल्म की शूटिंग पूरे जोरों शोरों से रशिया में की जा रही है और वहीं इस फिल्म के सेट से कुछ तस्वीरें वायरल हुई हैं जिसमें सलमान खान एक नए अवतार में नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ इस फिल्म की कहानी शुरू होगी पठान फिल्म के क्लाइमेक्स से। शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान के क्लाइमेक्स में सलमान खान और कटरीना कैफ नजर आएंगी। इस फिल्म के क्लाइमेक्स के बाद ही टाइगर 3 की कहानी शुरू होगी। KGF चैप्टर 2, जी हाँ, इस फिल्म के इंतजार लोगों को बड़ी बेसब्री से है और लोगों को लगता था कि ये फिल्म इस साल रिलीज होगी, पर इस फिल्म के मेकर्स ने लोगों के इंतजार को और भी ज्यादा लंबा कर दिया है। जी हाँ, फिल्म के मेकर्स ने KGF चैप्टर 2 के पोस्टर को रिलीज किया है जिसमें बताया गया है कि ये फिल्म 14 अप्रैल 2022 को रिलीज होगी। फिल्म के पोस्टर में पूरी स्टार कास्ट नजर आ रही है। इस फिल्म में साउथ के सुपरस्टार जस का साथ देंगे संजय दत्त। छन पकैया, खबरें लेकर आ गए आपका खबरें भैया। म्यूजिक, स्वैग और एंटरटेनमेंट से भरी फन और मस्ती। गेट रेडी टू एक्सपीरियंस अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑफ यूथ। यू आर वॉचिंग प्राइम यूथ टीवी। सब चलता है।